तो दोस्तों पैसे कमाने का एक बहुत अच्छा तरीका है जो कि है फ़ोटो सेलिंग फ़ोटो सेलिंग बहुत ही इजी होता है लेकिन ये एक टेक्निक होती है आर्ट होती है आपको इस चीज़ को समझना होगा कि किस तरह से आपको काम करना है क्योंकि हर कोई फ़ोटो सेलिंग करके पैसा नहीं कमा सकता हर कुछ अपलोड करके पैसा नहीं कमाया जा सकता है फ़ोटो किस तरह की चाहिए किस तरह की ज़्यादा डिमांडेबल होती हैं किस तरह की फ़ोटो ज़्यादा चलती हैं कंपनियों में यूज होती हैं वो सारी रिसर्च करके आपको फोटो अपलोड करना होती है जिससे आपके द्वारा अपलोड की गई फ़ोटो जल्दी से जल्दी सेल हो जाए और उस फोटो की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत आपको मिले सिंपल वर्डों में कि आप अपने मोबाइल से फ़ोटो क्लिक करके और उसको किसी वेबसाइट या एप्लीकेशन पर बेच के पैसे कैसे कमा सकते हैं इस वीडियो में जानेंगे आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए सब कुछ इस वीडियो में बताऊँगा और एप्लीकेशन जो कि सबसे ट्रस्टेबल है और जो कि सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है जेनुअन एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन के बारे में स्क्रीन रिकॉर्डिंग के द्वारा सब कुछ समझाऊंगा आपको अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइए इससे पहले भी मैंने बहुत सारे ऐसे तरीके बताए हैं इस चैनल पे आपको उन तरीकों में से जो भी वीडियो पसंद आए वो आप देख सकते हैं कुछ ऐसे काम भी हो सकते हैं जो आपको पहले से आते हों लेकिन आप उनका उपयोग नहीं कर रहे हैं आप उनका उपयोग करके पैसे कमा सकते हैं इसलिए चैनल को चेकआउट करिए देखिए कि ऐसे कौन से काम हैं जिससे आप पैसे कमा सकते हैं क्योंकि अभी इस डिजिटल वर्ल्ड में बहुत सारी स्किल होती हैं एक छोटी सी स्किल भी आपको बहुत अच्छी अर्निंग दे सकती है तो फोटो क्लिक करना और उसको अपलोड करना बेचना ये सब स्किल है और ये छोटी सी स्किल आप किस तरह से मोनेटाइज कर सकते हैं यानी कि पैसा कमा सकते हैं इसके द्वारा इस वीडियो में चलिए जानते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। देखिए मैंने बहुत सारे एप्लीकेशन देखे बहुत सारी वेबसाइट देखी लेकिन जो सबसे सिंपल एप्लीकेशन मुझे लगा वो है फोप ये फोप एप्लीकेशन है जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा अगर वहाँ से डाउनलोड करना है तो वहाँ से भी कर सकते हैं नहीं तो सबसे सिंपल आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे सिंपली आपको जाना है अपना अकाउंट बनाना है अकाउंट बनाने के लिए आपको ई मेल की ज़रूरत पड़ेगी अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये सब कुछ कर लेना है बड़ा सिंपल होता है अकाउंट बनाना आप अकाउंट बना सकते हैं इसके आगे की प्रोसेस क्या होती है उसको हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग के द्वारा समझते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने फोप एप्लीकेशन यहाँ पे चालू कर लिया है ओपन कर लिया है अपने मोबाइल में और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे न्यूज करके ऑप्शन आ रहा है फॉलोइंग करके ऑप्शन आ रहा है और मी करके ऑप्शन आ रहा है तो ये ऊपर ऑप्शन देख जाते हैं जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं तो आपको सिंपली क्या करना है कि आपको पहले अकाउंट बना के ये ऑप्शन देखेंगे तो अगर आपको इन लोगों में से कोई पसंद आ रहा है या फिर इसका काम कोई किसी का पसंद आ रहा है तो उनको फॉलो कर सकते हैं उसके बाद आपको नीचे कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे न्यूज फीड है एक्सप्लोर है और मिशन है ठीक है यहाँ पे जो मिशन ऑप्शन है इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे यहाँ पे एक्सप्लोर पे आप क्लिक कर दीजिए एक्सप्लोर पे क्या होगा आपको वो फोटो देखेंगे जो सोल्ड हो चुके हैं ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी सारी फ़ोटो हैं जो कि सोल्ड हो चुकी हैं और ऐसी फोटो हैं जो कि आपकी हमारी जो है आम जिंदगी में रोज की जिंदगी में लगभग रोज देखना कॉमन है जैसे कि ये चिड़िया बैठी हुई है रोज अपन देखते हैं कोई ना कोई बर्ड ये प्लांट लगा हुआ है कोई ठीक है यहाँ पे कोई पॉट में फूल है तो ऐसे आप फोटो क्लिक कर सकते हैं और इनको बेच सकते हैं ठीक है इनको बेच के आप पैसा कमा सकते हैं यहाँ पे एक फोटो के दस दस डॉलर ढाई ढाई सौ डॉलर भी मिलते हैं अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन और दिख रहा होगा रिसेंट आपको इस पर क्लिक कर देना है अब हम बताते हैं कि किस तरह से आपको काम करना है सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल से बहुत ही क्रिएटिव फ़ोटो खींच लेना है जैसे कोई पॉट हो गया जैसे कि ये पीछे देख रहा है आप इस तरह के पॉट की फ़ोटो खींच सकते हैं कोई फ्लावर की फ़ोटो खींच सकते हैं एक कैटेगरी आप डिसाइड कर लीजिए कि कौन सी कैटेगरी में आपको फोटो खींचना है जैसे कंप्यूटर की फ़ोटो खींच सकते हैं माइक की फ़ोटो खींच सकते हैं किसी टी शर्ट की फ़ोटो खींच सकते हैं या फिर नेचर की कोई भी फ़ोटो खींच सकते हैं कुछ भी जो भी आपके आमने सामने अगल बगल है उसकी फ़ोटो खींचिए लेकिन फ़ोटो अच्छी होना चाहिए ठीक है जितने अच्छे रेजोल्यूशन में होंगी और अच्छी बात है ठीक है तो वो और अच्छा रहता है क्लियरिटी अच्छी आती है ठीक है तो आप इस तरह से कुछ फ़ोटो क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे आपको रिसेंट में एक प्लस का आइकॉन दिख रहा है नीचे उस पर क्लिक कर दीजिए अब मैं यहाँ पे आपके सामने एक फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ यहाँ पे जैसे मुझे कोई एक फ़ोटो मिल जाता है जैसे कि मैं मेरे ही फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ तो मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो सेलेक्ट किया और यहाँ पर ये फ़ोटो जो है अपलोड होने लगा अब यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हैं एक अच्छा सा बढ़िया सा डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है यहाँ पर मैं कुछ भी यहाँ पे टाइप कर देता हूँ जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया माई फोटो ठीक है तो यहाँ पे माई फोटो आपको नहीं लिखना है आपको एक बढ़िया सा डिस्क्रिप्शन लिखना है जिस बारे में आपका जो फ़ोटो है जैसे कि फ्लावर्स फ्लावर्स के बारे में लिख सकते हैं कि वो कौन सा फ्लावर्स है कब ये खिलता है कहाँ पे पाया जाता है उसके बारे में आप लिख सकते हैं ठीक है तो मैंने यहाँ पर ओके okay कर दिया ओके okay करने के बाद यहाँ पे टैग लगा सकते हैं टैग यहाँ पे मैंने यहाँ सेलेक्ट ऑल कर दिया अब सेलेक्ट ऑल करके मैं यहाँ पे पब्लिश कर देता हूँ पब्लिश में यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कि आर देयर पीपल इन दिस फोटो ठीक है तो मैं यहाँ पे यस yes कर देता हूँ ठीक है आर द फेस इन फोटो रिकगनाइज मतलब कि फेस फेस दिख रहा है तो यहाँ पे आप यस yes कर दें ठीक है तो यहाँ पे डू यू परमिशन ऑफ द पीपल प्रेजेंट इन दिस फोटो परमिशन ले लिया है कमर्शियल यूज के लिए ठीक है तो यहाँ पे यस yes कर दिया ठीक है तो ये सेफ्टी के लिए पूछते हैं तो यहाँ पे मैं पब्लिश कर देता हूँ इसको ठीक है ऐड आ जाएगा तो ऐड तो तो आ जाएगा तो उसके लिए जो है इसको क्रॉस कर देते हैं क्रॉस करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ़ोटो जो है अपलोड हो गया अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ़ोटो अपलोड हो गया और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे दो ही फोटो आ जाएगा मेरा चार दिख रहा था अभी अब दो ही आ जाएगा पब्लिश हो जाएगा अब ये फ़ोटो किसी को ज़रूरत पड़ेगी किसी भी ब्रांड को किसी कंपनी को ज़रूरत पड़ती रहती है क्योंकि कोई भी कंपनी नहीं चाहती कि हम बहुत सारा पैसा खर्च करके किसी मॉडल को हायर करें और फिर फोटोग्राफर को हायर करें फ़ोटो शूट करवाएं इवेंट करवाएं तो इतना सब झमेला नहीं चाहते हैं सिंपल सी किसी वेबसाइट से फ़ोटो खरीद लेते हैं और उसको यूज़ कर लेते हैं तो इस तरह से उनका कम खर्चा होता है और आपकी कमाई भी हो जाती है तो इस तरह से आप जो है फ़ोटो सेलिंग करके पैसा कमा सकते हैं यहाँ पे कर लेते हैं ये मिशन वाली बात कि मिशन क्या है ठीक है मिशन में क्या होता है कि यहाँ पर लेसन करके कुछ चल रहा है लेसन लेसन वन लेसन टू लेसन ज्वाइन प्रीमियम मिशन चेक आउट द बेस्ट फोटो ऑफ द माई एक इवेंट चल रहा है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं जैसे कि चिल्ड्रंस डे पर आप चिल्ड्रंस की फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं कोई फैशन से रिलेटेड इवेंट है तो आप वहाँ पर फैशन की फोटो अपलोड कर सकते हैं तो आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपकी फ़ोटो सेलेक्ट हो जाती है तो आपको अच्छा खासा प्राइज मिलता है तो इसके बारे में आप यहाँ पर सब कुछ रीड आउट कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर 200 डॉलर रिवॉर्ड में है और यहाँ पर 150 डॉलर रिवॉर्ड में है 200 डॉलर रिवॉर्ड में है तो अगर आपकी फ़ोटो सिलेक्ट हो जाती है तो आपको 200 डॉलर मिलेंगे ठीक है 200 दो सौ डॉलर कम थोड़ी होते हैं लगभग सोलह सत्रह होते हैं ठीक है तो आपको क्या करना है अच्छे से अच्छी फ़ोटो खींचना है और ये जो मिशन है इनको ज्वाइन कर लेना है तो चलिए ये तो हो गई सारी प्रोसेस की किस तरह से आपको काम करना है अब रियलिटी की बात करते हैं कि वाकई में क्या इससे पैसा बनाया जा सकता है क्या वाकई ये परमानेंट सॉल्यूशन है आपकी मनी प्रॉब्लम का तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि ये परमानेंट सोल्यूसन नहीं है हाँ लेकिन आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं यानी कि आप दिन में बीस पच्चीस तीस फोटो अगर यहाँ पर अपलोड कर देते हैं महीने दो महीने तक आप काम करते हैं तो हो सकता है कि आपकी फ़ोटो धीरे धीरे सेलेक्ट होने लगें आपके फॉलोवर्स बढ़ने लगें जिससे आपकी और भी फ़ोटो सेल होंगी तो इस तरह से आप इसमें जो है रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं लेकिन आप चाहेंगे कि स्टार्टिंग से ही एक फ़ोटो दो फोटो मैं अपलोड करूँ और सेल होने लगें तो ऐसा नहीं होता है क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है जो भी काम इजी होता है उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है इसलिए अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं थोड़ा सा काम करके इसमें सक्सेस हो जाऊंगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आपको यहाँ पर जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगी तभी आप फ़ोटो सेल करके पैसा कमा सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है क्योंकि ये सरल काम है फ़ोटो खींचना अपलोड करना यहाँ पर बहुत आसान होता है क्योंकि यहाँ पर आपको तीन ही स्टेप फॉलो करना पड़ते हैं क्लिक अपलोड एंड अर्न तो इतना सिंपल काम कोई क्यों नहीं करना चाहेगा फिलहाल ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद